24 सितंबर 2024 को इसराइल ने लेबनान के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया और इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2006 के युद्ध के बाद से इजरायली सेना का लेबनान पर यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला था। मौजूदा हालातों को देखकर इसराइल और हिजबुल्ला में युद्ध तय माना जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच लेबनान को लेकर खेमेबंदी शुरू हो गई है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान सीधे हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है और रूस ईरान का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कर रहा है। लेकिन जब इजरायली सेना ये ठान चुकी है कि वो हिजबुल्ला को सबक सिखा कर रहेगी, तो रूस ने लेबनान को लेकर हमदर्दी दिखाई है। दरअसल 23 सितंबर के हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों को लेकर रूस बेहद ही चिंतित है। ये घटनाक्रम बेहद ही खतरनाक है। युद्ध का दायरा बढ़ने से ये इलाका पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा। आपको बता दें कि रूस ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी निशाना साधा। पेस्कोव ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि हम बेहद ही चिंतित हैं। इस वक्त किसी भी तरह की बातचीत की संभावना के बारे में बात करना काफी मुश्किल है। एक शांतिपूर्ण हल संक्षेप में एक देश द्वारा नियंत्रित है। इस वक्त किसी भी हल के बारे में बातचीत करना नामुमकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि रूस ने लेबनान में रह रहे अपने नागरिकों से तुरंत बेरूत छोड़ने की सलाह दी है। लेबनान में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर रुदाकोव का कहना है कि जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि वो तुरंत कमर्शियल विमान से लेबनान छोड़ दें, क्योंकि अभी भी बेरूत हवाई अड्डा सामान्य रूप से काम कर रहा है। यह पर्यटन का वक्त नहीं है। हालांकि इसराइल में रूस के राजदूत एनाटोली विक्टोरोव ने इसराइल में रूसियों के लिए इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि रूसियों को गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए। आपको बता दें कि रूस के बाद अब चीन भी लेबनान के समर्थन में उतर आया है। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बो हबीब से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन लेबनान की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा में दृढ़ता से उसका समर्थन करता है, जबकि इसराइल के बड़े पैमाने पर हवाई हमलों की निंदा करता है। आपको बता दें कि रूस और चीन शुरुआत से ही हमास और हिजबुल्ला को लेकर काफी नरम है। यहां तक कि जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था, तब रूस और चीन ने हमास के इस हमले की निंदा नहीं की, बल्कि उल्टा सारा ठीकरा इसराइल के मत्थे मर दिया। और तो और, रूस पर हिजबुल्ला और हमास को हथियार सप्लाई करने के आरोप भी लगे हैं।